डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट ले रहे हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में कई बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई नया कंसेप्ट हमको नहीं लेना है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो एक नॉर्मल कंसेप्ट है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, वही रूल यहाँ पे भी लगाना है। जैसा कि इंटरेस्ट ऑन किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है इंटरेस्ट का, यही है यहाँ पे लगाना है। यानी कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। बस एक छोटी सी चीज हमको हमेशा याद रखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दी होती है, इंटरेस्ट की जो रेट दी होती है ड्राइंग में, उसके साथ पर इन वर्ड है कि नहीं है ये देख लेना है, क्योंकि इसका फर्क पड़ता है। कभी कभी तो यूं दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम, मान लो 6% इंटरेस्ट की रेट, ऐसा मान लेते। तो यहां पर देखो इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, जबकि कभी कभी दिया रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम, यहां पे पर एनम वर्ड या एनुअल वर्ड दिया हुआ है। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा वो हम समझ लेते हैं। अगर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के साथ पर एनम वर्ड ना हो तो वहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करना है, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करना है। या दूसरी लैंग्वेज में यूं कह सकते हैं कि जब भी इंटरेस्ट की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं हो तो हमें क्या करना है कि पूरे साल में जितना भी पैसा विड्रॉ हुआ है, जितनी भी ड्राइंग्स हुई है, वो पूरे साल भर में उस पर परसेंटेज निकाल लो, जितना परसेंटेज बोला हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि 6% इंटरेस्ट की रेट है मान लो, तो साल भर में कितना पार्टनर पैसा विड्रॉ किया उसका 6% कैलकुलेट कर लो, टाइम वगैरह नहीं देखना है। मान लो साल भर में जितनी बार भी पैसा निकाला टोटल 10,000 रुपीज विड्रॉ किया, तो 10,000 का 6% निकाल लो, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के साथ पर एनम वर्ड हो तो उसका मतलब है कि 6% एनुअल, एक साल के लिए इंटरेस्ट 6% रहेगा। तो फिर यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि पार्टनर ने कब पैसा विड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखना है हमको। मान लो कि पार्टनर ने दो बार पैसा विड्रॉ किया, पहली बार उसने 5,000 विड्रॉ किए 1 जुलाई को, सेकंड बार पैसे विड्रॉ किए 1 अगस्त को, 1 जुलाई और 1 अगस्त को दो बार 5,000 रुपये विड्रॉ किए, और ईयर एंड है मार्च में, तो जो 5,000 पीस 1 जुलाई को विड्रॉ हुए थे उस पर जुलाई से मार्च तक 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। जो 5,000 पीस 1 अगस्त को विड्रॉ हुए थे उस पर 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 8 मंथ का। इस ढंग से अगर इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो फिर जितनी बार भी पैसा विड्रॉ हुआ है हर एक अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक के लिए इंटरेस्ट लगेगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड तो दिया हुआ है लेकिन यह नहीं बताया है कि अमाउंट कब विड्रॉ किया, अगर यह नहीं बताया है तो हम क्या करेंगे, एनुअल ड्राइंग्स ले लेंगे, पूरे साल भर में जितना भी पैसा विड्रॉ किया है उसका टोटल कर लेंगे और उस पर एवरेज टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के साथ, इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया हुआ है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी हुई है तो साल भर में जितनी बार भी पैसा विड्रॉ हुआ है उन सबका टोटल कर लो, एनुअल ड्राइंग कितनी है वो देख लो और उस पर एवरेज टाइम का इंटरेस्ट लगा दो। एवरेज टाइम का मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए अकाउंट बन रहा है उसका हाफ टाइम। यूजुअली एनुअली अकाउंट बनता है तो यूजुअली एनुअली अकाउंट बनता है तो यूजुअली एवरेज टाइम रहता है 6 मंथ। पर अगर कभी 10 मंथ का अकाउंट बन रहा है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर भी देखते हैं।
कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पढ़ते ही क्वेश्चन क्या है, सादिक एंड मोहन आर टू पार्टनर्स, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि ये ड्राइंग्स हुआ, कितना पैसा निकाला दोनों पार्टनर ने, ₹50,000 एंड 40,000, सादिक ने विड्रॉ किए 50,000 तो मोहन ने विड्रॉ किए 40,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। तो यहां पे देखिए इंटरेस्ट के रेट के आगे पर एनम वर्ड या एनुअल वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा वो हम देख लेते। तो सादिक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 50,000 जो उसकी ड्राइंग का अमाउंट है, इनटू रेट अपॉन 100, 10/100। अब यहाँ पे हमने टाइम का मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, तो इस संग से सादिक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 5,000 रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे ही अब अपन मोहन का इंटरेस्ट निकाल के देख लेते हैं। तो मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोहन का ड्राइंग अमाउंट है 40,000 इंटू रेट है 10% इंटू 10/100, 40,000 इंटू 10/100, तो इस अंक से मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 4,000 रुपीज़। तो हमने क्या करा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट के साथ पर एनम वर्ड ना हो तब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये समझाया। ठीक है, अब अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड होता तो क्या करते, एक और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है पढ़ के देखते हैं, राज एंड रमन्स ड्राइंग्स अमाउंट रुपीज 70,000 एंड 50,000, राज और रमन का ड्राइंग अमाउंट है 70,000 एंड 50,000 दोनों का, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब यहां देखें इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड भी दे दिया है, तो अब हमको पर एनम अगर वर्ड दिया है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, इसके लिए अगर हम क्वेश्चन पढ़ के देखें तो इसमें ड्राइंग की अमाउंट तो दी हुई है लेकिन ड्राइंग का अमाउंट कब विड्रॉ किया यानी डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो नहीं दी हुई है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाए, क्योंकि पर एनम में हमको टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना होता है, ऐसे में हम एवरेज टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे यानी जितने टाइम का अकाउंट बना रहे उसका हाफ टाइम ले लेंगे। तो यहां पर लिखा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, फॉर द ईयर एंडेड। तो यहां पे अकाउंट जो बन रहा है वो एक ईयर का बन रहा है, वन ईयर का बन रहा है, तो वन ईयर में 12 मंथ होते तो एवरेज टाइम उसका हाफ यानी 6 मंथ हो गया। तो यहां पर अगर पर एनम वर्ड दिया है डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए तो जितने टाइम का अकाउंट बना रहा है उसका हाफ टाइम लेंगे, जैसे यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है लेकिन पर एनम वर्ड है, ईयर एक ईयर का अकाउंट बन रहा है तो हाफ टाइम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें, तो राज का इंटरेस्ट निकलेगा, ड्राइंग अमाउंट है 70,000, रेट है 12% और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिए तो हाफ टाइम का लगा लिया, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा लिया हमने क्योंकि ईयरली अकाउंट बन रहा है। अगर यहाँ पे 10 मंथ का अकाउंट बन रहा होता तो 10 का हाफ 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालते, अगर 9 मंथ का अकाउंट बन रहा होता तो 9 का हाफ 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते, मतलब एवरेज टाइम का इंटरेस्ट लगाते अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं मालूम है तो। तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा ये देखे कैलकुलेट करके, तो ये अमाउंट हो गया 8,400 रुपीज़। सेम टू सेम रमन का इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं कि रमन का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो रमन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 50,000 ड्राइंग अमाउंट है, 50,000 इंटू रेट 12% इंटू 12/100 और डेट नहीं दिए तो हाफ टाइम का 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज़, ये आ गया 6,000 रुपीज़। तो इस अंक से अगर इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट नहीं दिए तो जितने भी टाइम का अकाउंट बना रहे उसका हाफ टाइम हम ले लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग भी दी हो। तो ये क्वेश्चन है, सुजाता एंड अंकिता आर पार्टनर्स,
विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग्स हो गई। ₹20,000 बाय सुजाता ऑन July 1st एंड ₹30,000 बाय अंकिता ऑन 31st December। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। पहले तो ये देखिए कि इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम वर्ड दिया है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा। तो सुजाता का जो अमाउंट है 20,000, उसकी डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है। ऐसे अंकिता का जो 30,000 ड्राइंग का अमाउंट है, उसकी भी डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है। तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो पहले सुजाता ने अमाउंट विड्रॉ किया है July 1st को। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम ये मान लेते हैं कि 31st मार्च ईयर एंड है। तो सुजाता का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा July 1st से 31st मार्च तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, यानी कितने महीने हुए, 9 मंथ हुए। तो सुजाता का इंटरेस्ट लगेगा 9 मंथ पर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जो PRT का फार्मूला होता है उससे कर लेंगे। तो सुजाता का ड्राइंग अमाउंट है 20,000 इंटू रेट है 9% इंटू टाइम है 9 मंथ। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा ₹1,350। ठीक ऐसे ही अंकिता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, अंकिता का ड्राइंग अमाउंट है 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू 9/100 इंटू टाइम। तो टाइम देखिए, अंकिता ने 31st December को अमाउंट विड्रॉ किया है, 31st December से 31st मार्च तक, यानी ईयर एंड तक, 31st दिसंबर से 31st मार्च तक, तो 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने का इंटरेस्ट होता है कितना, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा ₹675। ठीक है, ₹675 ऐसा लिखेंगे। तो इस ढंग से हमने ये पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के पहले ये देखना होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड है कि नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो उस केस में एनुअल ड्राइंग देख लेंगे, पूरे साल भर में पार्टनर ने कितना पैसा विड्रॉ किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का एक्स परसेंट, जो भी फिक्स परसेंट दिया है उससे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर पर एनम वर्ड है और ड्राइंग की डेट नहीं दिए तो जितने भी टाइम पे अकाउंट बना रहे उसका हाफ टाइम लेंगे, जिसको एवरेज टाइम बोलते हैं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिए तो नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट कर लेंगे डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक के लिए, और उतने महीने का या उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर रेगुलर इंटरवल में सेम अमाउंट निकाला गया है, और अगर रेगुलर इंटरवल नहीं है या सेम अमाउंट नहीं है, तो इन दोनों केस में इंटरेस्ट निकालने का मेथड क्या होना चाहिए, अगर बहुत सारे अमाउंट से तो कैसे शॉर्टकट से निकालते हैं, यह अगली लेक्चर में अपन इस बात को क्लियर करेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अभी एक और पॉइंट रह गया है कि अगर रेगुलर इंटरवल में सेम अमाउंट, यानी इक्वल अमाउंट विड्रा हुआ है, या इक्वल अमाउंट नहीं है या इंटरवल इक्वल नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालना चाहिए बहुत सारे अमाउंट में, शॉर्टकट मेथड क्या होती है, यह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।